हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और हमने पिछली बार स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना, वो हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम सीधा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। चैप्टर नंबर 6 है हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद करने लायक है, बट इस वीडियो में मैं आपको पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको पढ़ने रहेंगे, आपको सॉल्व करने रहेंगे, आपको याद करने रहेंगे। बाकी ज्यादा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जाने वाले नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रिगार्डिंग द सेम थिंग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन डिटेल। मैं आपको पहले से ये चीज समझा देता हूँ। देखो, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा, ओवर एम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, इन सब का कहीं ना कहीं मीनिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जब एक आदमी अपने यूजुअल वर्क आज से कम काम करता है, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी 8 घंटे काम करने के लिए नॉर्मली सक्षम होता है, बट अगर किसी को 4 घंटे से भी कम काम मिल रहा है, तो उसे हम बेसिकली इस कैटेगरी में डालते हैं, जिसे कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो अपने पूरे कैपेबिलिटी के अंदर काम नहीं कर रहा है, उसको अपनी पूरी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। When a person is ready and capable of working at current wage rate but does not get work is basically termed as unemployment, right? वो होता है unemployment. और उसके अंदर अगर एक बंदे को काम मिल रहा है बट बहुत कम समय के लिए मिल रहा है, तो वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, दो अलग अलग कैटेगरीज है, हमें थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जांपल। अगेन दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा आप लोग इसको ध्यान से पढ़े। डिस्गाइज्ड वर्ड का मतलब होता है हिडन। इसका एक मीनिंग और होता है जिसे कहा जाता है हिडन, मतलब छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली लोगों को दिखता नहीं है, पर ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आप इतना सारा नहीं लिखोगे चलेगा, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, आप अपने मन से लिखोगे तो भी चलेगा। देखो 3 मार्क का आंसर होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 3 मार्क के आंसर्स में करीबन करीबन 8 to 10 लाइंस में एक्सप्लेन करें। अगर आप अपने आंसर शीट को अगर आप मेजर करें, तो आपके आंसर शीट से आधे से ज्यादा कंटेंट अगर आपको लिखना, हाफ पेज से ज्यादा अगर आप कंटेंट लिखोगे, तो वो आंसर को हम 3 मार्क का अच्छा आंसर मानते हैं। एक सेफ साइड में होने के लिए मैं कहूंगा एक पूरे पेज का आंसर 3 मार्क का आंसर लिखा जाना चाहिए। अब अगर आपको पूछा जाएगा कि चलिए भैया बताइए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप अपने मन से लिखिए। ये भैया एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो दिखता नहीं है पर वो होता है। मतलब आपको दिखेगा कि आदमी काम कर रहा है, बट उसके काम करने से उसके परिवार की, उसके समाज की, देश की कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक फार्म है, अब एक खेत के अंदर, एक फार्म के अंदर 2 आदमी की जरूरत है, 2 आदमी बहुत है, इनफ है उस खेत के अंदर खेती करने के लिए। बट क्योंकि उस खेत के अंदर 2 आदमी के अलावा बाकी 4 लोग जो क्या तो उनके भाई है या उनके बच्चे हैं, उनके पास कुछ और काम नहीं है, तो वो लोग भी और कुछ करने की जगह वो लोग भी उस खेत में खेती करते हैं। अब उस खेत के अंदर 6 लोग लगे हुए हैं, एक फार्म के अंदर 6 लोग लगे हुए हैं, जबकि वहां पे काम सिर्फ 2 लोगों का है। तो बाकी 4 लोग आपको दिखेंगे कि काम कर रहे हैं, बट उनके काम करने से कोई भी तरीके से इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी 0 होती है, इसलिए कहा जाता है 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये बेसिकली आपको एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको ये देखने मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मली इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो आज भी लोग बहुत वहां लगे हुए हैं, बट उनके होने से कोई भी तरीके से इनकम में फर्क आता नहीं है। सो आप ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इजी है बट आपको याद करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एक एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, एग्जाम में 2 मार्क में पूछ सकते हैं, आपको डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आने वाला है हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क में पूछेंगे, मन से लिखो यार।
कि क्या हमारे एडुकेशन सिस्टम में कमी है, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारे देश में आज भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो आप खुद मन से लिख सकते हो कि हमारा एडुकेशन सिस्टम बहुत ही रटा हुआ सिस्टम है यार, हमें आज भी हमारे इतने साल के करियर में, आप लोग सब 15-16 साल के हो गए हो, आपको आज भी इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया है जिससे आप खुद अपना कारोबार चला सको, आप खुद अपना छोटा मोटा काम कर सको। तो अगर ऐसा काम हमें सिखाना चाहिए, हमें ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे हम खुद भी अपना पेट पाल सके, हम खुद अपने लिए कुछ रोजगार ढूंढ सके। जैसे कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमें साबुन बनाया सिखाते थे, हमें मोमबत्ती बनाना सिखाते थे। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि आज आप 15-16 साल के हो गए हो, आपको थोड़ा बहुत डिजाइनिंग सिखाना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, या आपको कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ AI वगैरह के या डेटा सेंटर्स के रिलेटेड सिखाना चाहिए, या कभी ना कभी मुझे लगता है कि ऐप डेवलपमेंट वगैरह के कुछ कोर्सेज आपके लिए करवाए जाने चाहिए स्कूलों के अंदर बाय गवर्नमेंट। अगर सरकार इन चीजों पे ध्यान दे तो आप लोग जब 15-16-17 साल के होके स्कूल छोड़ोगे, बाहर निकलोगे, तो आप में कुछ एक ऐसी एबिलिटी रहेगी जिस एबिलिटी से आप अपना घर चला सकते हो। देखो, मेरा ये मानना है कि एक बड़ी डिग्री जरूरी नहीं है आदमी को कामयाब होने के लिए, आपके अंदर ऐसा कुछ एक गुण होना चाहिए जो गुण सर्वश्रेष्ठ है भैया, उसके अंदर आप चाहो जितना आगे तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से स्कूल में हर रोज सुबह प्रेयर होती है, हम स्कूल में जाते हैं 10-15 मिनट की हमारे स्कूल में प्रार्थना करवाई जाती है, मेरा यह मानना है जितना जरूरी स्कूल में प्रार्थना करवाना है उतना ही जरूरी स्कूल में बच्चे को फिटनेस के बारे में बताना है। तो अगर ऐसा करिकुलम स्कूल का बन सके कि भैया आप स्कूल पहुंचे, सपोज 7:30 आपका स्कूल चालू हुआ, 15 मिनट आपने प्रेयर किया, अब 15 मिनट के बाद में सब बच्चों को कहा जाएगा चलो ग्राउंड पे आ जाओ, अब हम आधा घंटा या 45 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर बच्चों को फिटनेस के बारे में, डाइट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाए तो यही लोग आगे जाके फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं और अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं हमारे सिस्टम में जिसके कारण हमारे यहाँ पे एडुकेशन सिस्टम को भी अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। अगेन एज आई सेड, आप लोग अपने मन से लिख सकते हो इस क्वेश्चन को भी। नेग्लिजेंस टुवर्ड एग्रीकल्चर इज इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये भी करेक्ट बात है। देखिए भैया, हमारा देश एक एग्रेरियन नेशन है, राइट, आर कंट्री इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वी कैन से। सो हमारी कंट्री के अंदर आज भी 50% लोग खेती में जुड़े हुए हैं। चलो हमारे पास 2021-22 का आंकड़ा नहीं, हम एस्टिमेटेड बताएंगे तो भी 30-35% आज भी लोग हमारे देश में खेती कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा खेती करने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन कितने सारे डेवलप्ड नेशन के सामने कुछ भी नहीं है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। अब मैं इसमें सरकार की गलती नहीं कहूंगा, इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि भैया बड़ा होके मैं किसान बनूंगा। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें लगता है कि किसान बनना मतलब बहुत गरीब बनना होता है। ऐसा नहीं होता भैया, आप जाके देखो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के किसानों को देखो, दे आर वेरी प्रॉस्परस, उनके पास इतने बड़े घर, इतनी बड़ी गाड़ियां है जो हमारे यहाँ पे CMDA के पास भी नहीं है भैया। सो दे आर प्रॉस्परस, यस देर आर फार्मर्स हु आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद देयर जॉब, उनके पास जमीनें नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ लिख के खेती को भी अपना प्रोफेशन बनाना चाहो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। हमारे देश में अभी खेती में बहुत सारा काम होना बाकी है, हमारे पास इतना उपजाऊ जमीन, इतनी प्रोडक्टिव लैंड है हमारे पास कि अगर हम चाहें तो खेती को कितने हाइट्स पे लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खेती को जितनी जिम्मेदारी से हम लोग को निभाना चाहिए उतनी जिम्मेदारी से हम नहीं निभा रहे हैं, और उस कारण से भी हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, क्योंकि हर आदमी खेती के अंदर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है बट खेती से इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, उस चक्कर में उसे शहरों में आना पड़ रहा है काम ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक मन से लिखने वाला आंसर है कि अगर हमारे देश के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ा स्पीडअप पकड़ा दिया जाए, उसमें कुछ नए से रिवॉल्यूशन लाए जाए, तो हमारे देश की बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सुधर सकती है। हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को काम मिलता है, तो अगर एग्रीकल्चर को और थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाए और थोड़ा सा फोकस किया जाए तो हो सकता है कि इन चीजों से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत हद तक खत्म हो सकती है। अब ये सब दोस्तों आपको याद करना रहेगा, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मैंने जैसे कि कहा था, यू हैव टू मग दिस थिंग्स अप, सॉरी गाइज आई कांट हेल्प यू, यू हैव टू मग अप। ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका कब नाम बदला गया था, कब इसको नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सो ये था आपका चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट। अगला चैप्टर आता है पॉपुलेशन, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ये पूरा PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
जिनको पता है उन्हें पता है कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, और जिनको नहीं पता अपने भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, MOHITSIRR मोहित सर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा मेरे चैनल के ऊपर ही, राइट इनफ। चलिए सो अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली क्या होता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। देखो बेसिकली तीन स्टेजेस थे पॉपुलेशन के, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे आंसर्स तुम खुद लिख लोगे। सो सबसे पहला था आजादी से पहले वाला समय, जब हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग पैदा हो रहे थे और बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल्ड थी, राइट। हमारे यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई था, हर फैमिली में पांच पांच छह छह बच्चे का होना नॉर्मल था, बट डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट इनफ। तो इस चक्कर में हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल्ड था। इसके बाद में देश को आजादी मिल गई, देश को आजादी मिल गई तो भैया पैदा होना बंद नहीं हुआ बट मरना बंद हो गया, लोग आज भी पैदा धमाधम हो रहे थे बट डेथ कम हो गई, क्योंकि आजादी की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, देश का बंटवारा हो चुका था, हम जीत चुके थे, इंडिया अपनी जगह खुश था, पाकिस्तान अपनी जगह खुश था। तो अब इंडिया में अचानक से एक पॉपुलेशन का उफान आया, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बर्थ रेट वही धमाधम है, डेथ रेट कम हो गई, तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बाद में सरकार आई रोल पे, सरकार ने फैमिली प्लानिंग लोगों को समझाना चालू किया, एडुकेशन देना चालू किया, अवेयरनेस फैलाना चालू किया, तो इसके बाद में थोड़ा बर्थ रेट पे कंट्रोल आया, डेथ रेट पे भी कंट्रोल आ गया, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आ गई, तो अब लोग पैदा भी कम हो रहे थे, मर भी कम रहे थे, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया था। तो खाली एक बीच वाला फेज है जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग पैदा हो रहे थे और मरने वालों की संख्या बहुत हद तक कम हो गई थी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे गजब सा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया था, और हम जो आजादी के टाइम पे 35-36 करोड़ थे, वो पिछले 70 सालों के अंदर 150 करोड़ हो चुके हैं, 150 करोड़। सो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये सब हम लोगों ने हमारे 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे, ये चीज आपको 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, जिन लोगों ने 5 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यूट्यूब वीडियो नहीं देखी है जाके उठा के देख लो, ये सब चीजें हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि भैया लॉ डेथ रेट की क्या रीजंस आ सकती है, फिर हमने देखा था हाई बर्थ रेट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, सब हमने उसमें पढ़े थे, मैं चाहूंगा आप लोग उस वीडियो से सब पढ़ ले, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या क्या चीजें हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहला क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है कि एक ही तरीके के प्रोडक्शन ना करके अगर हम अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को उगाएंगे तो हमारे जमीन की जो फर्टिलिटी वो मेंटेन रहेगी, अच्छा फसल हमको मिल सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टैंडर्ड 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च के बारे में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईकार इंस्टीट्यूट, के बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछे गए, बच्चा लोग फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में आता है डिस्कस 3 फैक्टर्स टू प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें बताना है, अगेन ये हम 5 मार्क में डिस्कस कर चुके हैं। जिन मेरे दोस्तों ने भाइयों ने नहीं पढ़ा 5 मार्क वाला, प्लीज जाके देख लीजिए, प्लीज जाके पढ़ लीजिए, आपके लिए एक बहुत जल्दी खुशखबरी में लाने वाला हूं और वो बहुत आपको खुश करेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको प्राउड फील होगा। तो बहुत जल्द मैं आपको अगले वीडियो में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूं, राइट। चलिए सो ये भी इजी इजी टॉपिक्स है कि आपको क्या पता चले कि एग्रीकल्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना है, और ये पता है टेबल मुझे बहुत प्राउड फील करवाता है, ये टेबल आप लोग रट डालना जब कभी भी बात है ना एग्रीकल्चर की ग्रोथ की, टेबल टिका देना। देखो यार सोचो 1950-51 के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था सिर्फ 51 मैट्रिक टन, जो 70 सालों के अंदर हम लोगों ने कम से कम 5 गुना बढ़ा के 264, ये भी 2013-14 का, भैया 2021-22 का देखोगे ना तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी, इंडिया ने इतना गजब ग्रो किया है, अपने प्रोडक्शन को पिछले 70 सालों में 7 से 8 गुना बढ़ा के रखा है इंडिया ने हर चीज में। आप पल्सेस देखोगे पहले 8.4 था, ये डबल हो चुका है। आप शुगर केन देखोगे पहले 69 था, ये 348 हो गया है। अगर आप देखोगे ऑयल सीड्स तो 5.1 मैट्रिक टन था, जो 32 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। कॉटन देखोगे तो सिर्फ 2.1 था, भैया 18 गुना से ज्यादा हम लोगों ने बढ़ोतरी की इसके अंदर। आप इमेजिन करके देखो कि इंडिया कितना गजब काम कर रहा है। सो यही बात है, ये टेबल हमें बहुत प्राउड फील करवाते कि हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है। चलिए इसके बाद में एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, अगेन ये हम लोग पढ़ चुके हैं 5 मार्क वाले में, 3 रीजंस में आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स।
इसको आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर 3 मार्क में आप 3-3, 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करके छोड़ोगे चलेगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत सारा इसके अंदर पढ़ने को है, ये मैंने पूरा पीडीएफ बना, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ वही आप पढ़ो, बहुत है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है फॉरेन ट्रेड, इसमें से भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगेन एज आई सेड यू ये चैप्टर भी आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक कंडीशन एग्जाम में पूछेंगे नहीं, खाली ये टेबल याद कर लेना कि एनुअल ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैसे कैसे था अलग अलग टाइम जोन पे। अगर हम देखें तो 1950 से लेके 1970-75 तक 7.8% था, 15-16 में 2.8% से हमारी इकोनॉमी ग्रो रही है, और 16 के बाद में इकोनॉमी ने बहुत आग लगा रखी है। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, अगर ये नया डेटा आपके अगले साल की बुक में पब्लिश होगा ना, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी सर। इंडिया ने गजब ग्रो किया पिछले 10 सालों में, हर चीज में, हर सेगमेंट में इंडिया ने गजब ग्रो किया है। जहां हम इंपोर्टर हुआ करते थे वहां हम एक्सपोर्टर हो गए हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बून रहा है पिछला 10 साल। आप जब वो डेटा पढ़ोगे आपको बहुत गर्व होगा। चलिए सो राइट अ नोट ऑन एक्सचेंज रेट, ये भी बहुत कॉमन, एक्सचेंज रेट बेसिकली किसे कहा जाता है, तो भैया ध्यान दे लो, थोड़ा सा समझ लेना एक्सचेंज रेट किसे बोलेंगे हम लोग। जब कभी भी एक कंट्री की करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के सामने लिखी जाती है उसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखूंगा $1 इज इक्वल टू ₹83, तो इसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट। जब एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के सामने लिखा जाए तो उसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट हर इकोनॉमी के अंदर होती है। एक्सचेंज रेट आपको अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के सामने ट्रांजैक्ट करने में इजी करती है, इसलिए ये एक्सचेंज रेट होना बहुत काम की चीज होती है। ये बहुत पुराना डेटा है, $1.60 कोई जमाने में हुआ करता था भैया, अब हम 83-84 के आसपास घूमते रहते हैं, कुछ सालों में शायद अब 85 भी क्रॉस कर जावे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गए भैया हमारे एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ ट्रेड इन शॉर्ट। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा ट्रेड का मीनिंग क्या है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम क्रिएट करके रखा है जहाँ पे आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कि डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या काम आते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस कैसे होते हैं, और हमारे देश के अंदर अलग अलग कंट्रीज में कितने कितने फैक्टर्स हमारे टोटल ट्रेड पे इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। सो अगेन आप जब कभी भी, मैं आपको एक सजेशन बच्चा लोग और दूंगा, जब कभी भी क्वेश्चन 5 मार्क का होना एक डायग्राम बनाइए यार। 3 मार्क के क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाओगे चलेगा, बट 5 मार्क के क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाइए, एग्जामिनर पे बड़ा ही शानदार इंप्रेशन जाता है, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसलिए मैं आपको 100% कहूंगा प्लीज ड्रॉ डायग्राम व्हेन यू आर राइटिंग 5 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क में खाली आपको समझाने के लिए बनाया गया, आप नहीं बनाओगे डायग्राम चलेगा, 3 मार्क में इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। चलिए इसके बाद में हमें यह भी पता है कि क्यों ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात होती है कि एक देश अपने अंदर कभी भी सर्वगुण संपन्न हो सकता नहीं है। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों के लिए बाहर वाली इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, और उसको ही कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में फर्क क्या होता है, तो प्लीज बच्चा लोग मेरे साथ साथ एक बार देख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला फर्क क्या होता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर के डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो करंट अकाउंट में रोज होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इन ट्रांजेक्शन के कंपनी के एसेट लायबिलिटी में या देश के एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क आता नहीं है, जबकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क आएगा ही आएगा। फिर इट रिफ्लेक्ट द नेट इनकम ऑफ द कंट्री, या हमारे देश की इनकम बताती है, जबकि ये बताता है कि हमारे देश ओनरशिप यानी कि हमारे एसेट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके अंदर खाली गुड्स और सर्विसेज आते हैं, राइट, गुड्स और सर्विसेज के कारण जो जो आ रहा है इसके अंदर सब कुछ आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितना आया, बाहर की गवर्नमेंट से कितना लोन लिया, बाहर वालों ने कितना हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया, सब कुछ यहाँ पे आता है। एंड दैट इज द रीजन कैपिटल अकाउंट इज अ बिगर ट्रांजेक्शन, ये बड़ा चीज है, ये कभी कभार होता है, बार बार होता नहीं है, जबकि करंट अकाउंट डेली होने वाली बात है, ये रोज होती है, हर बार होती है, हर महीने होते हैं, लगातार होते हैं, राइट इनफ, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये चैप्टर भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें आपको बताना है सबसे पहले तो भैया 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो कि इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग्स याद कर लो, बाकी मन से लिखोगे दौड़ेगा। पहली हेडिंग कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, इंडस्ट्रीज का नेशनल इनकम में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। सेकंड हेडिंग आ गया एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा आ जाता है एक्सपोर्ट इनकम। ये 3 रीजन के कारण इंडस्ट्रीज हमारे देश के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसके आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रक्चर क्या है,
ऑन ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताइए इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती है, मतलब पैसों के हिसाब से तो अलग अलग होती है, आप ये चाहो तो याद भी कर सकते हो। सबसे पहले आती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पे मशीन ना के बराबर होती है, जहां पे इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम तक होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। फिर आती है टाइनी इंडस्ट्रीज। टाइनी इंडस्ट्रीज वो होती है जहां पे 5 से 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद में आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहां पे 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद में मीडियम साइज इंडस्ट्रीज जहां पे 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जहां पे 10 करोड़ से ज्यादा तक का इन्वेस्टमेंट होता है। सो ये आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए एक्सप्लेन इंडस्ट्रीज ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है। सबसे पहले होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जहाँ पे बेसिकली सारा का सारा पैसा सरकार का होता है। इसमें भी बहुत अलग अलग तरह की आती है जैसे कि डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद में आती है प्राइवेट इंडस्ट्री जहाँ पे पूरा का पूरा पैसा ओन प्राइवेट का होता है, मतलब हम लोगों का आप लोगों का होता है। उसके बाद में आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जहां पे सरकार और प्राइवेट दोनों मिलके साथ में काम करती है, ज्यादातर ओनरशिप सरकार की होती है। उसके बाद में आते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जहां पे बेसिकली लोगों की भलाई के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और ये मोस्टली नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, ये मोस्टली किसी ना किसी अच्छे काम के लिए, किसी के भलाई के लिए की जाती है। फिर एक्सप्लेन एनीथिंग और एनी पॉइंट और एनी मैटर टू प्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ SSI दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। भैया क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्शन को एनहांस करती है। तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा प्रोडक्शन देने की कोशिश करती है। इंडस्ट्रीज को कम्पीट तो नहीं कर पाएगी बट तो भी बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिलकर इंडस्ट्री के बराबर भी प्रोडक्शन करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोस्टली लेबर इंटेंसिव होती है, वहां पे लेबर्स ज्यादा होते हैं, मशीन्स कम होती है, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होता है। या आपका बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बचाती है क्योंकि आप अपने लेवल पे अपने गाँव के लिए अपने शहर के लिए अपना काम कर रहे हो जिसके कारण बाहर से कुछ भी मंगवाने की जरूरत पड़ती नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत कम टाइम में खड़ी हो जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़े बड़े लोगों के हाथ से पावर छीन के आपके घर तक पहुंचाती है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट का रेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए, मतलब इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट वन SEZ क्या होते हैं। हम लोगों ने बहुत बार देखा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली क्या होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली वो जोन्स होते हैं जहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी आपको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए क्रिएट की गई है। वो जोन से अंदर काम करने वाली सारी की सारी फर्म को कंपलसरी होता है कि आप एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दीजिए, एक्सपोर्ट ज्यादा करिए। ये वो जोन होते हैं जिनको सरकार क्रिएट करती है एक्सपोर्ट को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे टैक्सेस का बहुत बेनिफिट मिलता है। ऐसे बहुत सारे SEZ हमारे देश में भी लगाए गए हैं जैसे कि सांता क्रूज महाराष्ट्र के अंदर, कोची केरला के अंदर, कंडला गुजरात के अंदर, सूरत गुजरात के अंदर, मैं यहीं से बिलोंग करता हूं भाइयों, चेन्नई तमिलनाडु से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, फालता वेस्ट बंगाल एंड नोएडा उत्तर प्रदेश, ऐसे करके ये बड़े बड़े अभी तो और भी कितने सारे नए जोन डेवलप हो गए हैं। चलिए अभी आखिरी चैप्टर इमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी में और नए नए क्या इश्यूज है। बेसिक पेट्रोलियम के बारे में शॉर्ट नोट एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, हम 5 मार्क में ऑलरेडी कर चुके हैं बट इंपॉर्टेंट इसलिए वापस से समझा रहा हूँ। माइग्रेशन से अच्छा अच्छा क्या होता है भैया, आप और हम भी कभी ना कभी अपने गांव को छोड़ के शहरों में आए हैं तो क्यों आएंगे। पहला रीजन इनकम बढ़ती है हमारा, दूसरा रीजन हम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा बनते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तीसरा वैसे तो बहुत सारे इन लोगों ने 2 में खत्म कर दिया क्योंकि 3 मार्क का आंसर है, चलेगा। नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, सारे गाँव के लोग बेचारे शहर में आ गए, उनके पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, ना काम करने के लिए नौकरी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही अनरेगुलेटेड हो जाता है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मिलती है, एनवायरनमेंट में बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब शहरों में आते हैं उन्हें काम नहीं मिलता है तो पैसे कमाने के लिए वो सोशल इविल्स में चले जाते हैं, मतलब चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, ऐसे कितने सारे क्राइम शहरों में बढ़ जाते हैं क्योंकि इन लोगों को अपने सपनों का शहर नहीं मिल पाता है, अपने सपनों के कमाई नहीं मिल पाती है। एंड दैट्स द रीजन ये बेचारा ये सब करके भी अपना घर चलाते हैं, अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। और जब ये बहुत बार होता है जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है, मुझे आज भी याद है, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी में फर्क ही होता है, सपने दोनों देखते हैं।
बट अनपढ़ आदमी अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करता, तो अगर उसके सपने पूरे नहीं होते तो वो क्या करता है, वो कहीं किसी कोने में बैठा रहता है या दारू चरस पी के अपना अपना अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। बट जब एक पढ़े लिखे आदमी के सपने पूरे नहीं होते ना, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। उस आदमी ने अपनी जिंदगी दी है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी अच्छी ढूंढने के लिए, फिर पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है ना, तो वो सबसे डेंजरस एलिमेंट हो जाते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग है। अगर आपने उनके दिमाग को सही जगह नहीं लगवाया तो वो गलत काम में लगाएंगे, गलत काम में लगा के ही सोशल इवेज बढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट इंडियन एजुकेशन सिनेरियो, इंडिया में एजुकेशन कैसा क्या है। भैया सबको पता है प्राइमरी एजुकेशन तो हमारे देश में कंपलसरी है, फिर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी हमारे देश में आजकल कंपलसरी हो चुका है। अगर हम देखें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स है, नंबर देखो तो करीबन करीबन 7.7 मिलियन टीचर्स है, ये भी 2013-14 की है, जो 1.4 मिलियन स्कूल्स के अंदर पढ़ा रही है। ये बहुत पुराने डेटा है, नया डेटा बहुत सारा होगा क्योंकि इतने टीचर्स तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे मेरे जैसे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पढ़ा रहे हैं। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है कि आज भी हमारे देश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होने के बावजूद कितने सारे बच्चे, मतलब 29% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिफ्थ तक स्कूल कम्प्लीट किए बिना ही छोड़ देते हैं। वैसे ये डेटा पुराना है बट तो भी डेटा अलार्मिंग है कि हमारे देश में आज भी 69% पीपल्स वर एनरोल्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन, ओनली 25% हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब खाली 25% बच्चे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने जाते हैं, बाकी लोग जाते ही नहीं है। अगर हम देखें लिटरेसी रेट इन इंडिया और गुजरात को, जहां हम लोग और आप लोग रहते हैं, अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि भैया लिटरेसी इंडिया की थी 43%, गुजरात इंडिया की लिटरेसी से एवरेज से ज्यादा था। गुजरात हमेशा से अच्छा माना गया है, आज भी गुजरात भैया सपनानू गुजरात है हमारा गुजरात। सो नेक्स्ट वन, अगर हम देखें 2011 में तो नेशनल एवरेज थे 74 और गुजरात के एवरेज है 79, मतलब हमारे यहाँ पे आज भी पढ़े लिखे लोग नेशनल एवरेज से ज्यादा, तो भी प्राउड करने वाली बात नहीं भैया, 90+ होना चाहिए ये आंकड़ा। नो डाउट ये 2011 का है, आई एम श्योर 2021-22 के अंदर ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होता, बट कोई बात नहीं। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता और ये आपके दो प्यारी से बुक्स। आपको एक बहुत अच्छी सूचना देने वाला हूं, मैं इसी वीडियो में दे देता हूं, उसके लिए फिर मैं अगला वीडियो पूरा बनाऊंगा कि बहुत जल्द ये पर्टिकुलर बुक की पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, वह भी इतने कम रेट में कि आप लोग मुझे दुआ दोगे, ये 100% बात है। बस मैं कल या परसों आपको वो जरिया लॉन्च कर दूंगा जिसके तहत हमारे सारे मटेरियल भी आप तक पहुंचेंगे, आप चाहोगे तब हमारे मटेरियल भी आप लोग यूज कर सकते हो। मेरी कोशिश जारी है, आज शाम तक मेरे पास कंफर्म न्यूज आ जाएगी, मैं आपको 100% एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आप कैसे ये नोट्स को अपने पास पीडीएफ के फॉर्म में भी ले सकते हो। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम सर पे, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।